बिहार के किशनगंज से राज्य आपदा प्रबंध समूह के निर्देशानुसार 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक दुकान और प्रतिष्ठानों के खुलने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से सरकारी और निजी कार्यालय सामान्य उपस्थिति के साथ संध्या 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। यह जानकारी मंगलवार को जिला अधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने दी। उन्होंने बताया कि श्रेणी 1 की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। इनमें उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र संबंधित दुकान व प्रतिष्ठान शामिल है। साथ ही आवश्यक खाद सामग्री, फल एवं सब्जी, मांस मछली, दूध और पीडीएस की दुकानों को भी इसमें शामिल किया गया है। श्रेणी 2 की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, सैलून पार्लर, सोना चांदी की दुकान, ऑटोमोबाइल, टायर ट्यूब्स, स्पेयर पार्ट्स, फर्नीचर दुकान, मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और सर्विस सेंटर की दुकानें शामिल किया गया। वहीं तृतीय श्रेणी की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। इस श्रेणी में कपड़ा दुकान, जूता चप्पल, ड्राई क्लीनर्स दुकान, बर्तन दुकान, खेलकूद सामग्री दुकान के सहित कुछ अन्य दुकानें शामिल हैं। रेस्टोरेंट के संचालन एवं होम डिलीवरी का समय सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा। धार्मिक स्थल सहित स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सहित अन्य संस्थान बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।